हेलो स्टूडेंट, सो टुडे वी स्टार्ट द टॉपिक लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स में ओवरऑल मतलब क्या होता है? देखो, लिमिट्स का मतलब हुआ कि हमारे पास, जैसे अगर मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, ठीक है, एक्स टेंड्स टू टू अगर मैंने लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स टेंड्स टू टू का मतलब, एक्स टेंड्स टू टू का मतलब हो गया एक्स की वैल्यू 1.999999999 हो सकता है, या फिर x की वैल्यू 2.00000000001 हो सकती है, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 2। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2 का यही मतलब हुआ। मतलब क्या है? x की वैल्यू अप्रोचेस टू 2 होगी। ठीक है, x की वैल्यू अप्रोचेस टू 2 होगी। मतलब क्या हुआ? मतलब जो हमारे पास जो लिमिट की वैल्यू रहेगी, वो वाली वैल्यू अप्रोचेस टू टू, मतलब उसके एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, उसके नियर अबाउट इक्वल है। ठीक है, नियर अबाउट इक्वल है। अब उसमें जो वैल्यू लेफ्ट साइड से, मतलब जो वैल्यू, जो कम वाली वैल्यू है, उसको हम कंसीडर करते हैं लेफ्ट हैंड में, क्योंकि कम है, लेफ्ट साइड में कम छोटी वैल्यू होती है। राइट हैंड लिमिट मतलब जो ज्यादा बड़ी वाली वैल्यू हो गई, मतलब 2.00000001 जो हो गया, वो हो गई राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। 1.9999 जो हो गया, वो हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो इन चीजों से हमें ज्यादा कुछ खास मतलब नहीं है, बाकी हम सब चीजों को बारी बारी से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सब चीजें आएंगी हमारी। तो अभी जो हमारा जो सबसे बेसिक जो स्टार्ट होगा, वो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब क्या हुआ? मींस जब हम लिमिट को पुट करते हैं, ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब क्या हुआ? जब हम लिमिट को पुट करते हैं, तो लिमिट को पुट करने के बाद में हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, मतलब जहां पे लिमिट पुट करने के बाद लिमिट की वैल्यू डायरेक्टली नहीं निकाली जा सकती है। मतलब इनडिटर्मिनेट मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में रहेगा, मतलब विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ लिमिट। ठीक है, तो ऐसे टोटल हमारे पास कुछ फॉर्म्स हैं जिसमें अगर हमने लिमिट को पुट किया तो हमारे पास ये पैटर्न आता है। मतलब अगर मैंने मान लो लिमिट x टेंड्स टू 0 लिया, 0 बाय 0 आ जाए, मतलब न्यूमरेटर भी 0 हो गया, डिनोमिनेटर भी 0 हो गया। दूसरा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो इसको भी डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फिर नेक्स्ट है 0 इंटू इन्फिनिटी, उसके बाद है इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब लिमिट को पुट करने के बाद में अगर हमारे पास ये टोटल 7 फॉर्म्स आ रहे हैं, ठीक है, हमारे पास ये 7 फॉर्म्स आ रहे हैं, तो इन 7 फॉर्म्स को हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, इसमें से अगर हमारे पास ये पहले 2 फॉर्म आ रहे हैं, तो इन दोनों फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमारा जो पैटर्न आता है वो है एल हॉस्पिटल्स रूल। ठीक है, मैथमेटिशियन का नाम है, कुछ नहीं कर सकते, इनके माँ बाप की गलती है जिन्होंने ऐसा नाम रखा। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल्स रूल, एल हॉस्पिटल्स रूल का मतलब क्या हुआ? लेट एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, वेयर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी, क्योंकि मुझे 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी दोनों से कोई एक फॉर्म चाहिए, एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी, मतलब L इक्वल टू क्या बना? लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स, मतलब 0 बाय 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। अगर मैंने लिमिट को डायरेक्टली पुट किया तो, मैं पहले भी बता रहा हूं लिमिट इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब क्या हो गया, अगर मैंने लिमिट को डायरेक्टली पुट किया तो ऐसे पैटर्न मिल जाना, ऐसी वैल्यूज मिल जाना जिसको हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, वो हो गए इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, तो 0 बाय 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी अगर हमारे पास बन रहा है, देन बाय एल हॉस्पिटल्स रूल
देन बाय एल हॉस्पिटल्स रूल क्या बनेगा, लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन जी डैश ऑफ एक्स। अब इसका मतलब डैश का मतलब क्या हो गया, एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब f डैश ऑफ x अपॉन g डैश ऑफ x का मतलब ये नहीं हुआ कि f x अपॉन g x को मैंने डिफरेंशिएशन का कोशेंट रूल लगा करके डिफरेंशिएट नहीं किया है। यहां पर l हॉस्पिटल्स रूल्स का मतलब हो गया न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन है एंड डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन है, ठीक है, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन एंड डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन, तो जाके हमारा ये फॉर्मेट बनता है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या बनेगा, ये हमारे पास हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन जी डैश ऑफ एक्स। अब देखो तुम लोगों ने 11th क्लास में लिमिट्स के कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़े होंगे, मैं उनको यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल मैं इनको प्रूव कर रहा हूं। पहला है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, इसको मैं प्रूव कर रहा हूं। लेट एल इक्वल टू एल फॉर लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, कौन सा फॉर्म आ गया, जीरो बाय जीरो, क्योंकि जब मैं एक्स इक्वल टू जीरो पुट करूंगा तो साइन जीरो अपॉन जीरो मतलब जीरो बाय जीरो हो गया। जीरो बाय जीरो होने की वजह से देयरफॉर बाय एल हॉस्पिटल्स रूल, बाय बाय हॉस्पिटल तो नहीं लिखेंगे, मैं उसको एल एच रूल लिख रहा हूं, लिमिट इक्वल टू क्या हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, क्या करेंगे न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, तो क्या बन गया दिस इज कॉस एक्स अपॉन वन, ठीक है, क्या बन गया कॉस एक्स अपॉन वन। अब कॉस एक्स अपॉन वन का मतलब क्या हो गया, एक्स इक्वल टू जीरो रखा हमने तो ये क्या हो गया दिस इक्वल टू कॉस जीरो अपॉन वन मतलब वन। ध्यान रखेंगे लिमिट की वैल्यू हम तब पुट करेंगे जबकि हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म कैंसिल हो जाए। तो देख लो हमारा पहला फॉर्मूला प्रूव हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स किसके इक्वल हो गया वन के इक्वल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरीके से और भी फॉर्मूले हमारे, सेकेंड फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टैन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन, इसका भी प्रूफ कर लो सेम पैटर्न में, एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टैन एक्स अपॉन एक्स, जीरो बाय जीरो फॉर्म है, टैन जीरो होता है जीरो, एक्स जीरो है, तो देयरफॉर बाय एल हॉस्पिटल्स रूल क्या बना लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया वन, अब डिनोमिनेटर वन हो गया मतलब कोई इंडिटरमिनेट नहीं रहा, डिनोमिनेटर जीरो होता है तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो क्या बना ये हो गया सेक स्क्वायर जीरो मतलब वन, आ गया दोबारा सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, नेक्स्ट है हमारे पास एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन, ठीक है, एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन, तो क्या बच जाएगा हमारे पास सेम पैटर्न, एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, x की जगह मैं a रखूंगा तो a की पावर n माइनस a की पावर n क्या बना जीरो, a माइनस a क्या बना जीरो, मतलब ओवरऑल क्या बन गया जीरो बाय जीरो, ठीक है।
तो दिस इक्वल टू क्या हो गया, बाय एल हॉस्पिटल्स रूल लिमिट क्या बना, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x की पावर n माइनस वन, तो ये बन गया n इंटू x की पावर n माइनस वन माइनस जीरो अपॉन वन माइनस जीरो। a कांस्टेंट है तो विथ रिस्पेक्ट टू a को अगर हम x के विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे तो बन जाएगा जीरो। अब x को किससे रिप्लेस करना है, a से, तो क्या बना, n into a की पावर n माइनस हो गया। नेक्स्ट हमारा फोर्थ फॉर्मूला होता है, बहुत आसान है, बस सिंपल तरीके से अगर हम करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो क्या बनेगा। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है e की पावर x माइनस वन अपॉन x इक्वल टू वन, ठीक है, तो लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो e की पावर x माइनस वन अपॉन x, तो एनी नंबर रेज टू पावर जीरो इज वन, तो क्या बनेगा, जीरो अपॉन जीरो, वन माइनस वन जीरो अपॉन जीरो, तो बाय एल हॉस्पिटल्स रूल क्या बना, लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x अपॉन वन, वैल्यू पुट करेंगे e की पावर जीरो, मतलब आंसर क्या हो गया वन। ये हमको याद करना है, ये सारे फॉर्मूले हैं जिनको मैं प्रूफ कर रहा हूँ, तो इन सारे फॉर्मूले को याद करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा फिफ्थ नंबर, लिमिट x टेंड्स टू जीरो a की पावर x माइनस वन अपॉन x इक्वल टू log a टू द बेस e, ठीक है, तो लेट l इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो a की पावर x माइनस वन अपॉन x, इसमें भी x की जगह मैं जीरो पुट करूंगा, तो a की पावर जीरो क्या बनेगा, a की पावर जीरो बनेगा वन, वन माइनस वन जीरो अपॉन जीरो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बना, जीरो बाय जीरो हो गया, तो बाय एल हॉस्पिटल्स रूल क्या बनना है, लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो a की पावर x का क्या बनेगा, a की पावर x इंटू लॉग ए टू द बेस e माइनस वन का डिफरेंशिएशन जीरो अपॉन वन, एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो बना ए की पावर जीरो इंटू लॉग ए टू द बेस ई, मतलब क्या बना, लॉग ए टू द बेस, ठीक है, हो गया। तो ये सब हमारे कुछ फॉर्मूलेस थे, ठीक है, ये सब हमारे कुछ फॉर्मूलेस थे जिनका क्वेश्चंस के बीच बीच में यूज होता है, ठीक है। ठीक है, हो गया। तो ये सब हमारे कुछ फॉर्मूलेस थे, अब हम क्या करते हैं, अब इन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, जहां पर हमारा एल हॉस्पिटल्स के थ्रू हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर इसको हम चाहें तो फैक्टराइज करके भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज एल हॉस्पिटल के थ्रू भी इसको सिंप्लीफाई करके हम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करो, चलो पहले फैक्टराइज करके कर लेते हैं, एल हॉस्पिटल से तो हमने कई सारे प्रॉब्लम्स किया है, तो लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, तो मतलब अगर मैंने एक्स इक्वल टू टू पुट किया तो ये जीरो बनेगा, ऊपर वाला भी जीरो बनेगा, तो न्यूमरेटर के फैक्टर्स क्या हो गए, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री,
डिनोमिनेटर बना x माइनस टू एक्स प्लस टू, कट गया, कैंसिल आउट हो गया, तो मतलब हम लिमिट की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो क्या बना, 2 माइनस थ्री, 2 प्लस टू, क्या बना, माइनस वन बाय, ठीक है। अगर तुम इसको मान लो डिफरेंशिएट करके करते हो, ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब मैं कर रहा हूं सेकेंड मेथड, तो लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, मैंने एल हॉस्पिटल लगा दिया, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, क्या बना डिफरेंशिएशन में, 2x माइनस फाइव, नीचे हो गया 2x, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू टू माइनस फाइव, 2 इंटू टू मतलब माइनस वन बाय फोर। तो जैसा भी तुमको ठीक लगे आंसर लाने से मतलब है, और वैसे भी लिमिट्स हमारा अगर आएगा भी जे में हमारा आएगा तो ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, क्योंकि लिमिट्स जो है कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के साथ मिक्स होके आ जाता है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिट्स का यूज कंटिन्यूटी में आता है, आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऑब्जेक्टिव वाले आएंगे, तो एल हॉस्पिटल्स के थ्रू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम इससे ले लेंगे क्योंकि एल हॉस्पिटल वगैरह कुछ लगाना भी है तो उसके हिसाब से थोड़ा सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। तो बन गया लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, डिनोमिनेटर में क्या हो गया, आप देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर मैं इसको माइनस 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मतलब x माइनस 1 x प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस क्या बनेगा, वहां पे क्या बनेगा, x प्लस 1, ठीक है, माइनस 2 प्लस x प्लस 1। तो हमारे पास हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 कैंसिल हो गया, x माइनस 1 कैंसिल हो गया, वैल्यू को पुट कर दो तो आंसर क्या बन गया, 1 अपॉन 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो एल हॉस्पिटल वैसे भी सेकंड वाले में नहीं लग पाता, एल हॉस्पिटल हम सेकंड वाले में तब लगा सकते हैं जब उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, क्योंकि एल हॉस्पिटल लगाने के लिए कंडीशंस क्या थी, या तो वो 0/0 फॉर्म होना चाहिए या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होना चाहिए, उसके बिना हमारा एल हॉस्पिटल नहीं लगेगा। तो यहाँ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म नहीं है, 2 अपॉन इन्फिनिटी है, 2 अपॉन 0 है, 1 अपॉन 0 है, तो वो उस फॉर्मेट में नहीं था, इसलिए उसको एलसीएम तो वैसे भी लेना था। हाँ, एक्स माइनस 1 होने के बाद में तुम चाहते तो यहाँ पे उसको एल हॉस्पिटल लगा सकते थे, ठीक है, बट उससे अच्छा था एक्स माइनस 1 हमारा वैसे भी कैंसिल हो रहा, तो इसलिए उसके आगे मैंने उसको उस तरीके से नहीं किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अब देखो यहां पर क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ टेन एक्स 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ टेन एक्स, टेन 3/4 क्या बनेगा, माइनस 1, तो यहां अंदर में बन जाएगा माइनस 1, इस वजह से प्रॉब्लम है, ठीक है। और वैसे भी क्यूब रूट अगर हमारे पास आ रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास, ये क्यूब प्लस बी क्यूब करके हमारा क्यूब रूट हट सकता है, मतलब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लाना पड़ेगा। तो ए प्लस बी हमारे पास ऑलरेडी है, ये हमको और लिखना पड़ेगा, मतलब ये वाले टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो बनेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 3π/4 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ टेन एक्स 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस बी हो गया, नेक्स्ट क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस ए बी मतलब माइनस क्यूब रूट ऑफ टेन एक्स, ठीक है, माइनस क्यूब रूट ऑफ टेन एक्स, फिर बनेगा प्लस बी स्क्वायर मतलब टेन एक्स की पावर 2/3। तो इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 1 माइनस क्यूब रूट ऑफ टेन एक्स प्लस टेन एक्स की पावर 2/3, ठीक है। तो a प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब लिमिट
x टेंड्स टू 3π/4, तो यहां पर हो गया 1 plus 10x, ठीक है, 1 plus 10x बना। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, 1 plus 10x मतलब 1 minus 1, ये हो गया 0। अब बना 1 minus 2 cos²x, ठीक है, 1 minus 2 cos²x, 1 minus 2 cos²x क्या बनेगा, cos²x, ठीक है, 1 minus 2 cos²x क्या बनेगा, सॉरी 1 minus 2 cos²x होता है हमारे पास, बन जाएगा cos²x, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, मतलब -cos²x हो जाएगा, -cos²x हो गया, तो हमारे पास क्या बनेगा, अब ये इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहां पे बना 1 minus 2 cos²x, 1 minus cube root of 10x प्लस 10x की पावर 2/3, ठीक है, तो अच्छा हाँ हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब कर लिया, 1 का क्यूब और क्यूब रूट हमारा हट गया, तो अब 1 minus 2 cos²x, यहीं कर लेते ज्यादा अच्छा रहता, 1 minus 2 cos²x क्या बनता है, -cos²x, एंड cos²x का फॉर्मूला क्या होता है, cos²x का हमारा फॉर्मूला होता है 1 minus tan²x 1 plus tan²x, ठीक है, तो ये फॉर्मूले का यूज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3π/4, 1 plus tan x, ठीक है, 1 plus tan x अपॉन, देखो ये बनेगा माइनस ऑफ 1 minus tan²x मतलब 1 minus tan x 1 plus tan x, ये डिनोमिनेटर वाला टर्म न्यूमिनेटर में चला जाएगा, 1 plus tan²x इंटू 1 upon 1 minus cube root of 10x प्लस 10x की पावर 2/3, ठीक है, तो बस अपना मेन जो काम था, सॉरी ये नहीं, ये 1 plus tan x को कैंसिल करना, क्योंकि 1 minus 1 बनेगा 0, वो वाला टर्म एक बार हमारा कैंसिल हो गया, फिर हमारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब मैं लिमिट को पुट करता हूं, तो हमारे पास बना 1 plus -1 का स्क्वायर, ठीक है, -1 का स्क्वायर, क्योंकि 10π/4 क्या बनता है, -1, अब उसके बाद डिनोमिनेटर में यहां पे क्या बना, -1 plus 1, क्योंकि -10x क्या बनेगा, -1 मतलब +1, इंटू यहां बनेगा 1 minus -1 की पावर 1/3 +-1 की पावर 2/3, ठीक है, देखो -1 की पावर 2/3 क्या बनेगा, +1, और -1 की पावर 1/3 बनेगा -1, ठीक है, -1 का क्यूब, तो वही बनना है, तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास आंसर हो गया दिस इक्वल टू 2 upon -2 1 -1 +1, एक कैंसिल हो गया, आंसर हो गया हमारा -1, ठीक है, सॉरी ये माइनस माइनस हमारा हो गया प्लस, ठीक है, और वो तो प्लस है ही, तो हमारे पास आंसर हो गया -1 upon, ठीक है, ये बनेगा माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये बनेगा प्लस, तो 1 plus 1 plus 1 आंसर हो गया हमारा -1, ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।